कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपनी कांग्रेस प्रत्याशी मंदसौर लोकसभा संसद सीट से मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में आम सभा को संबोधित कर रहे हैं, यहाँ नीमच आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर उनके आने से पहले तैयारियां चल रही है, पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ तैनात है, अधिकारी जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और जिस तरह देख रहे हैं छोटी छोटी और भी जो तैयारियां बाकी है वे भी चल रही है। चारों तरफ देखने को मिल सकता है कि सिविल में भी पुलिस यहां पे लगी हुई है और वर्दीधारी भी कई पुलिसकर्मी जो है डी के आसपास और मंच को घेरे हुए है। इस पूरे मामले पर जो आज राहुल गांधी की जो सभा है नीमच में और किस तरह की स्थितियाँ इस सभा के बाद यहाँ बन सकती है, किस तरह के हालात और यहाँ बनेंगे और क्या खास रहेगा और क्या खास देखने को मिल सकता है इस सभा के बाद, इस पर पूरे मसले पर बात करने के हमारे साथ हैं मुस्तफा हुसैन, हम बात करेंगे। मुस्तफा जी बताइए कि आज राहुल गांधी की सभा है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण सीट है मंदसौर लोकसभा सीट? सही कहा शाम आपने, सबसे खास बात यह है कि ये जो इलाका है अफीम उत्पादक इलाका है और यहाँ पे सीमी प्रभावित है और पुलिस के लिए सुरक्षा इंतजाम एक बड़ी चुनौती है। अभी कुछ देर पहले हमारी नीमच जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि 1000 का बल जो है ये सुरक्षा इंतजामों में लगा है, यहाँ आसपास दशहरा मैदान की जितनी बिल्डिंग है उस पर सुरक्षाकर्मी तैनात है, वो इस सभा स्थल पर दूरबीन से नजर रखे हुए हैं। दूसरी बात आपने कही, कांग्रेस इसके अंदर मैजिक ढूंढ रही है क्योंकि 2009 में जब राहुल गांधी आए थे तब उन्होंने मीनाक्षी नटराजन के लिए वोट मांगे थे, तब वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे और तब 6 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ से चुनाव जीतते रहे थे। ऐसी स्थिति में जब 2009 में राहुल गांधी ने इस मैदान से वोट मांगे थे तो मीनाक्षी नटराजन 30,000 वोटों से विजय हुई थी, उसके बाद 2014 के चुनाव में वो 3,03,000 वोटों के अंतर से चुनाव हारी और उसी मैजिक को फिर जिंदा करने के लिए राहुल गांधी इस मैदान पर आ रहे हैं। 11:30 बजे वो यहाँ आएंगे, CM कमलनाथ उनकी अगवानी करेंगे, पड़ोस का जो राजन प्रसाद स्टेडियम है वहाँ पर जो है उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। तो कुल मिला के कांग्रेस को इस सभा से एक बड़ी आशा है, वो उम्मीद करती है कि इस सभा के बाद जादू होगा, मैजिक होगा और BJP का तिलसम टूटेगा। एक और खास बात है कि इस तरह आपने कहा टूटेगा और तिलसम टूटेगा और कहीं ना कहीं मीनाक्षी नटराजन जीत पाए, यहाँ से ऐसी उम्मीद जो कांग्रेस कर रही राहुल गांधी जी की सभा के बाद। सभा राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिस तरह के वो भाषण उनके देखने को मिल रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं अभी, जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, तो क्या वाकई में यहाँ अभी उन मुद्दों की या यहाँ लोकल मुद्दे जो है ज़्यादा असर कर पाएंगे? शाम ये जो इलाका है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, RSS की नर्सरी है, वो संघ परिवार की इस नर्सरी में राहुल गांधी का आना कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि उनकी आम सभा के बाद जो है BJP का तिलसम टूटे, चूँकि 3,03,000 वोटों का अंतर पिछले लोकसभा चुनाव में था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन वो अंतर जो वोटों का था वो घटके 77,000 हो गया। और जानकार ये भी मानते हैं कि नीमच, मंदसौर और मनासा के टिकट वितरण अगर सही होता तो ये अंतर और कम हो जाता। और उस ये जो सीन बन रहा है उसके चलते कांग्रेस ये मानती है कि अगर राहुल गांधी यहाँ के भाषण देते हैं, वोट मांगते तो हो सकता है कि वो मैजिक हो और BJP का तिलसम टूटे, क्योंकि पिछली बार जब 2009 में राजीव गांधी आए थे और जिस तरह से सुरक्षा घेरा तोड़कर वो आम जनता से मिले थे तो एक छवि जो उनकी अमिट छाप छूटी थी और उससे एक बड़ा बदलाव आया था और मीनाक्षी नटराजन चुनाव जीती थी और भाजपा के बाहुबली ने जो कद्दावर नेता है डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे वो 30,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो इस कांग्रेस ये एक बार फिर इस आम सभा के जरिए उस मैजिक का उसको इंतज़ार है कि राहुल गांधी के आम सभा के बाद यहाँ पे बड़ा बदलाव आएगा और भारतीय जनता पार्टी का तिलसम टूट सकता है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया कि जिस तरह के 2009 में राहुल गांधी यहाँ आमसभा करके गए थे और मीनाक्षी नटराजन यहाँ से जीत पाई थी और भारतीय जनता पार्टी के 6 बार से लगातार चुने गए सांसद लक्ष्मीनारायण पांडे को वे हरा पाई थी, उसी तरह का कहीं ना कहीं मैजिक उनके आने के बाद यहाँ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी के लोग सोचते हैं कि मैजिक फिर से होगा और मीनाक्षी नटराजन जीत पाएगी। वॉइस ऑफ MP के लिए श्याम गुर्जर।